हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंस्टा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नई रेसिपी लेकर। आज मैं वेजिटेबल सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमें उसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने थोड़ी सी टमाटो सॉस ले रखी है, एक अनियन लिया था जिसे हमने कट कर लिया है छोटा छोटा, एंड हमने गाजर लिया था जिसे हमने चॉप कर लिया है, एंड खीरा लिया था इसे भी हमने चॉप कर लिया है, एंड पत्ता गोभी ली हुई है हमने, इसे भी हमने चॉप कर लिया है। आप जितना छोटा हो सके उतना छोटा काट भी सकते हैं इसे। एंड हमने मेयोनीज ली है करीबन 1 बड़ा चम्मच, एंड हमने ब्रेड ली है, 4 से 5 ब्रेड ली हुई है हमने। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम अपनी सारी सब्जियां डाल देंगे। हमने गाजर डाल दी है, साथ ही इसमें हम अपनी बाकी सब्जियां भी डाल देंगे, पत्ता गोभी और हमने जो भी सब्जियां काट रखी थी सारी सब्जियां इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम आप चाहें तो और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसे, साथ ही इसमें हम अपनी मेयोनीज भी डाल देंगे एंड अपनी टमाटो सॉस भी इसमें डाल देंगे जो हमने ली हुई थी, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सॉस और मेयोनीज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसी आपको खानी हो, ज़्यादा या कम। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों में, इसका हमें अच्छा सा पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड देखिए, हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम अपनी ब्रेड्स लेंगे, एंड सर फ्रेंड्स हमें ब्रेड के कॉर्नर काट देने हैं। हम चारों तरफ से ब्रेड के कॉर्नर काट देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने काट दिए। ऐसे ही हम अपनी बाकी ब्रेडों के भी कॉर्नर काट के रख ले। तो फ्रेंड देखिए, हमने सारी ब्रेड्स के कॉर्नर काट लिए हैं। अब हम अपनी ब्रेड लेंगे और इस पर पेस्ट अप्लाई करेंगे। इसमें हम चम्मच से पेस्ट डालेंगे, 2 से 3 चम्मच पेस्ट डालेंगे, जितना हमारा आ जाए इसमें, और इसे अच्छे से पूरी ब्रेड पे अप्लाई कर देंगे। ऐसे हम दूसरी ब्रेड पे भी डाल देंगे और दोनों ब्रेडों पे अच्छे से अप्लाई कर देंगे अपना पेस्ट। चारों तरफ से लगा देंगे इसे, ताकि हमारा कोई भी कॉर्नर खाली ना रह जाए, पूरे में अच्छे से पेस्ट आ जाए हमारा। देखिए फ्रेंड्स, रेडी है। अब हम इसके ऊपर अपनी दूसरी ब्रेड रख देंगे ऊपर से। देखिए फ्रेंड, कितना ईजी है सैंडविच बनाना जी वाला, देख सकते हैं आप। अब इसे हम कट करेंगे सैंडविच को, सैंडविच की शेप में, जैसे हम सैंडविच बनाते हैं। देखिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए, हमारा सैंडविच बन के रेडी है। देखिए कितना अच्छा सैंडविच लग रहा है हमारा, और खाने में भी उतना टेस्टी है जैसा आपने बाजार में खाया होगा। मिनटों में तैयार हो जाता है ये रेसिपी, देख सकते हैं आप। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसे बनाने में। देखिए हमारा सैंडविच बनके एकदम रेडी है। आप इसे टमाटो सॉस या ग्रीन सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।